हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। और हमारे साथ आज हमारे डियर स्टूडेंट कपिल देव हैं और इनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो कैसे रखी और किस तरीके से अपना जो टारगेट इन्होंने बनाया था उसको अचीव किया। पहले तो कपिल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कपिल देव जो हैं ये अबोहर से बिलोंग करते हैं, पंजाब का एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है अबोहर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो प्रिपरेशन की जर्नी है अपनी 2023 से शुरू की थी IBS के साथ। अब वन एंड हाफ ईयर के अंदर इनके पास एक अच्छी एक रिप्यूटेड जॉब है। इनका सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में एज अ क्रेडिट ऑफिसर। पहले PNB जो था क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2 से शुरू करता था। इस बार से इन्होंने ऐसा किया कि इस बार स्केल 1 की पोजीशन निकाली इन्होंने और एज अ स्केल 1 आप क्रेडिट ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर फाइनल इंटरव्यू। और जो अब इनकी जो जॉब ज्वाइनिंग होगी एज अ क्रेडिट ऑफिसर होगी, और क्रेडिट ऑफिसर का मेन काम क्रेडिट यानी उधार देना होता है लोगों को। तो किस तरीके से ये आगे इन्होंने जर्नी शुरू की थी वो इनसे जानेंगे। बट पहले आपको कपिल, हमारे ऑडियंस की तरफ से भी और हमारी तरफ से पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको क्या कैसा फील हो रहा है कपिल PNB ज्वाइन करने के बाद? आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं जो भी, क्योंकि इस बार ये जो बच्चे हैं ये इस बार या उससे अगली बार अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे, कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे, कपिल बताइए। सर, जैसे आपने स्टार्ट किया था कि मेरा नाम कपिल देव है, तो जब ये नाम मेरे को मिला था तो मेरे को हमेशा था कि इस नाम को मैं कभी प्राउडली बता पाऊँ, क्योंकि इस नाम का बहुत वजन है। तो इस वजन को मैंने निभाया PNB में एक अच्छी पोस्ट लेकर, और मेरी तैयारी की जर्नी स्मूथली स्टार्ट हुई थी। बीच में फिर हड़बड़ी आई, ऊपर नीचे आई और रुकावटें भी आई, बट एट द एंड जब ये एग्ज़ाम आया था तो इस एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले ऐसी मतलब रोबस्ट मेरी तैयारी स्टार्ट हुई कि ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही क्रैक हो गया। ये एग्ज़ाम मैंने पहली बार ही दिया था और इसके बाद हमें इंटरव्यू में बीच में 2 मंथ्स का गैप था, और इंटरव्यू की तैयारी इतनी अच्छी तरीके से तैयारी की कि वो जो वहाँ पे जो बोला गया था वही बोला गया था जो यहाँ उससे पहले बार मॉक इंटरव्यूज़ में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था। तो चलो, सब बढ़िया। तो बहुत बढ़िया से आपने मतलब टारगेट बना के कपिल इसको अचीव किया। यस सर, ये क्योंकि मेरे फील्ड का ही पोस्ट थी, तो मैंने MBA फाइनेंस की हुई है। हाँ। तो मैंने इसकी कोर फाइनेंस की अकाउंटिंग की पढ़ाई पहले कर रखी थी, तो इस अपने फील्ड में अगर हमें कोई एग्जाम मिलता है और उसमें हम करियर स्टार्ट करें तो वो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो मैच, दोनों चीजें ऐसी मैच हुई और टाइमिंग भी परफेक्ट और माइंडसेट भी परफेक्ट मैच हुआ। जब ऐसे सभी बोलते हैं कि जब चारों ओर से जब जुड़ता है तभी हम सक्सेसफुल बन पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपिल का जो क्वालिफिकेशन है वो BCom है, BCom बैकग्राउंड से हैं। उसके बाद BCom के बाद इन्होंने MBA इन फाइनेंस एंड गुड गवर्नेंस किया था, और तब ये एलिजिबल हो पाए थे क्रेडिट ऑफिसर के लिए, बिकॉज क्रेडिट ऑफिसर की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें MBA मांगा जाता है। तो MBA फाइनेंस हैं ये, तो MBA फाइनेंस की वजह से ये अब PNB का एग्ज़ाम दे पाए, उसके प्रिपरेशन कर पाए और क्लियर हो पाए। तो जो भी बच्चे MBA फाइनेंस हों तो उनके लिए एक अच्छा मौका होता है क्रेडिट ऑफिसर में जाने का, सीधा आप डायरेक्टली जा सकते हो। अदरवाइज़ 1-2 साल प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करने के बाद वो एडवांसेस में आपको भेजते हैं, वो फिर सीनियोरिटी लूज़ होती कई बार। तो इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, और कपिल ने जैसे बताया कि मैंने टारगेट बनाया था 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है और 1 महीने के बाद मैंने इसको क्लियर करना है। तो इसी तरह से आप टारगेट बनाकर स्टूडेंट्स अपने जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको पूरा थॉरली एक बार स्टडी करके उसका टारगेट बना के उस अपनी मेहनत को या हार्डवर्क को उस डायरेक्शन में लेकर चलें, ताकि हमारा श्योर शॉट हमें हो जाए कि हमारा क्लियर होगा ही होगा। हम अपने दिल में ठान के इस तैयारी को करें, उसके बिना फिर मुश्किल हो जाता है, फिर टाइम एलोंगेट हो जाता है अगर टारगेट ना बनाए। बिल्कुल, हम तैयारी करते तो हैं बट वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी नहीं कर पाते हैं। हम जनरली सब जैसे सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, हम भी उसी वे में जाते रहते हैं, उसी फ्लो में कि चलो जो आज क्लास लग रही है वही लगा लेते हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा
कि आपका जो पर्सनली गोल है वो सबका अलग होगा, किसी का SSC होगा, किसी का IBPS PO होगा, किसी का क्लर्क होगा, तो आप प्लीज थोड़ा एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई करें हमेशा, अगर आपको जो वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और आपका जो पीरियड है, जैसे एक साल किसी को लगते हैं, तो आप उस पीरियड को 50% तक कम कर पाएंगे अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ाई करते हैं। तो कपिल, आपको एज अभी ट्रेनिंग पे हो, आप 7 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ते में आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ कि क्या क्या आपने शेयर किया। क्या अभी ट्रेनिंग शुरू हो गई है या ज़्यादा फॉर्मली अभी शुरू नहीं हुई है? सर, अभी ट्रेनिंग का अभी फर्स्ट वीक था, तो फॉर्मली तो ऐसे नहीं शुरू, ज़्यादा कुछ शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और सबका इंट्रोडक्टरी सेक्शन ही हुआ है। ठीक है। उसके अलावा सर, पर्सनली अभी बताऊँ तो पंजाब से सिर्फ मैं हूँ वहाँ पे। अच्छा। इस ट्रेनिंग सेंटर में। अच्छा। तो वो एक बड़े प्राउड वाली बात होती है, और सब लोग दूर दूर से, साउथ से, महाराष्ट्र से हैं, तो नए लोगों को मिल रहे हैं, और जो हमें ट्रेनिंग देने आते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, तो और वो उनके साथ काम करना, उनके साथ एक क्लासरूम शेयर करना, ये बड़ी प्राउड। दे विल बी रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स और वर्किंग, ये मतलब दे आर ऑलमोस्ट रिटायर्ड, दे सम विल बी रिटायर्ड नेक्स्ट ईयर और सम आर गोइंग टू रिटायर्ड आफ्टर 2 इयर्स, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड वेरी मच। ठीक है। तो वो आपको पूरी अपनी जो एक्सपीरियंस है उनका, पूरे 20-30-40 साल का, वो आपको सिखाएंगे सारा। वो हमें सिर्फ वो 21 दिनों में सिखाएंगे, और वो एक बड़ी बहुत वैसे बड़ी जो एक्सपीरियंस होगा कपिल, वैसे आपको ऑन जॉब ही ज्यादा अच्छे से मिलेगा सर। वो तो बात, जॉब सिखाती है वो कोई सिखा नहीं सकता। बिल्कुल सर। वो क्योंकि मैंने पहले एक्सिस बैंक में काम किया हुआ है, तो वो ऑन फील्ड का मेरे को एक्सपीरियंस है, तो और यहाँ से PNB से जो ट्रेनिंग मेरे को मिल रही है वो उसको और अपलिफ्ट करेगी, और मैं obviously better perform कर पाऊंगा। तो कहाँ तक पहुँचने का इरादा है कपिल, अब आगे सर? अभी तो फर्स्ट स्टेप रखा है मैंने स्केल 1 में, तो obviously स्केल 8 तक होता है, तो लास्ट तक ही जाएंगे जहाँ पे जितना ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। स्काई इज द लिमिट। वैसे जो मेहनती लोग हैं और जो अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए बिल्कुल पूरा आसमान पूरा आपके लिए है, कहीं तक भी आप जहाँ तक पहुँचना चाहो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सर। तो कपिल को एक बार फिर दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे हम सभी, एंड बेस्ट विशेज देंगे इनके करियर के लिए, कि इनका जो करियर है बहुत ही स्मूथ तरीके से चले, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए, जो प्रॉब्लम्स आए भी वो ये इतनी कैपेबिलिटीज इनमें हों कि वो उसको पार कर सकें और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं, और अपना, अपने पेरेंट्स का और IBS का नाम बहुत ही बुलंदियों तक ये लेकर जाएं और नाम रोशन करें। ऐसे तो नाम काफ़ी रोशन किया है, बट आगे भी और आप हमारे नाम को चमकाएँ। इसी दुआ के साथ, इसी बेस्ट विशेज के साथ कपिल को एक बार फिर दोबारा विशेज देते हैं, गुड लक देते हैं, और आगे के लिए हम अपनी बहुत बहुत अच्छी विशेज देते हैं। थैंक यू कपिल, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर।